हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम स्लिंग फैन का वाइंडिंग कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग में आपको हम स्लिंग फैन का वाइंडिंग कैसे किया जाता है वही बताएंगे, यानी कि हम लोग किस तरह का क्वाइल वाइंडिंग करते हैं। बहुत से जो मैकेनिक लोग होते हैं वो मशीने का यूज करते हैं, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं होने के कारण हम देसी जुगाड़ यानी कि हाथ से ही स्लिंग फैन का वाइंडिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे पीछे बहुत सारा फैन रखा हुआ है। तो टोटल फैन का जो वाइंडिंग करते हैं हम वो हाथ से ही करते हैं, मेरे पास कोई तरह का कोई मशीन उपलब्ध नहीं है। तो चलिए हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि स्लिंग फैन का वाइंडिंग आखिर कैसे करा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एक स्टैंड है जिसमें कि हम आर्मेचर को कसते हैं। इधर भी बोल्ट है और इधर भी बोल्ट है, तो इसमें स्टैंड है। और यहाँ पर ये जो पीवीसी पेपर भी है जिससे कि बॉडी शॉर्ट ना हो। और यहाँ पर ये कॉपर की वायर जो 35 नंबर गेज का उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं ये वायर यहाँ तक यानी कि क्वाइल तक आया है। और ये अपना क्वाइल का बंडल है यानी कि कॉपर तार से हम वाइंडिंग करते हैं। एल्युमिनियम तार थोड़ा कमज़ोर होने के कारण वो टूटने की संभावना बन जाती है, इसलिए हम कॉपर का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसका वाइंडिंग आखिर हम करते कैसे हैं। तो चलिए गाइस, अब इसका वाइंडिंग करके दिखाते हैं। तो ऐसे इसको वायर को पकड़ते हैं और ऐसे इसको फटाफट और काउंट भी होता है। गाइज, इसमें एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, इसमें जितना भी वाइंडिंग होता है यानी कि तार का जो लपेटे देते हैं यानी कि टर्न देते हैं वो काउंट के हिसाब से देते हैं यानी काउंटिंग करके देते हैं। ये मेरा टैग चैनल नहीं है तो इसमें हम कोई खास जानकारी आपको नहीं देंगे, लेकिन ब्लॉग चैनल में हम इतना बता सकते हैं कि आपको इसमें टर्न जो है टर्न के हिसाब से कॉइल वाइंडिंग होता है। अगर टर्न का इधर उधर हुआ या कम या ज़्यादा हुआ तो उसमें फैन में फॉल्ट आ सकती है। तो यहाँ पर जो एक वाइंडिंग ऐसे होता है और एक वाइंडिंग जो होता है नेक्स्ट राउंड ऐसे होता है, यानी कि एक उल्टा और एक सीधा। तो उल्टा करके हम अपने आपको दिखाएं। अब चलिए सीधा करके आपको दिखाते हैं कि सीधा वाइंडिंग कैसे करा जाता है। स्लॉट बचा हुआ है पूरा होने में। ये जो नीचे वाला है, नीचे वाइंडिंग हो चुका है, ऊपर भी वाइंडिंग करना है। तो दो स्लॉट और बचा हुआ है, उसके बाद वाइंडिंग हो जाएगा अपना पूरा। तो हम फिर इसको कंटिन्यू करके फिर आपको दिखाते हैं कि वाइंडिंग हो जाने के बाद ये किस तरह दिखता है। आप जैसा कि देख सकते हैं इसका वाइंडिंग पूरा हो चुका है। हम आपको पूरी वाइंडिंग दिखाए हैं शुरू से अंत तक कैसे इसका वाइंडिंग करा जाता है। देखिए, अब नीचे वाला स्लॉट का हो चुका है, अब ऊपर में वाइंडिंग करेंगे तो ऊपर में कैसे वाइंडिंग करेंगे इसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, वाइंडिंग हो जाने के बाद हम लोग पेपर को कट करते हैं। तो इसको कट करके फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको किसी पत्थर या पत्ती के सहायता से अंदर घुसा देते हैं। तो फिर आज के लिए वीडियो में हम इतना ही, फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी ऊपर वाला वाइंडिंग कैसे करा जाता है इसका भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।